इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लालू परिवार से निकलकर सामने आ रही है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुंबई के एक हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके हार्ट में समस्या हो रही थी उसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को उनकी एनजियो की गई है छिहत्तर साल के लालू यादव दो दिन पहले हृदय की जांच के लिए मुंबई आए थे उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया बताया जा रहा है कि जांच में उनके हार्ट में ब्लॉकेज की बात सामने आई इसके बाद डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी की सलाह दी वैसे अस्पताल की ओर से अभी तक लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है पीटीआई के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के बाद लालू यादव की हालात स्थिर है लालू यादव को दो दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर संतोष डोरा और तिलक सुवर्ण ने उनकी सफल एंजियोप्लास्टी की है मंगलवार को पटना से मुंबई पहुँचे लालू यादव की ओर से बताया गया था कि वे रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों से मिलने आए हैं बता दें कि इसी अस्पताल में करीब 10 साल पहले लालू यादव का हार्ट का इलाज हुआ था और बीते दो साल पहले लालू यादव सिंगापुर गए थे वहां उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद वो इंडिया आ गए और राजधानी पटना स्थित अपने सरकारी आवास में रहा करते थे लालू यादव कई राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया करते थे लगातार वो घर से बाहर भी निकलते थे कई कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होती थी लेकिन अचानक लालू यादव मुंबई रवाना होते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि रूटीन चेकअप के लिए वो जा रहे हैं लेकिन मुंबई में उन्हें एक हार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है एन प्लास्टी वहाँ पर उनकी की गई है जानकारी अभी तक यही सामने निकल कर आई है कि एन प्लास्टी लालू प्रसाद यादव की की गई है अभी जिस अस्पताल में लालू यादव की एन प्लास्टी की गई है इसी अस्पताल में करीब दस साल पहले लालू यादव के दिल का ऑपरेशन हुआ था उस समय उनके एरोटिक वॉल्व का रिप्लेसमेंट किया गया था यह सर्जरी करीब छः घंटे तक चली थी इसके बाद लालू यादव 2018 और 2023 में दो दफ़े हार्ट के चेकअप के लिए मुंबई गए थे वैसे लालू यादव पिछले कई सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके किडनी ने काम करना बंद कर दिया था जिसके बाद दिसंबर 2022 में उन्हें सिंगापुर जाना पड़ा और सिंगापुर में उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ उसके बाद वो इंडिया लौट गए थे और कई कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे थे लेकिन अचानक लालू यादव मुंबई रवाना होते हैं और मुंबई के एक हार्ट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो हमने पूर्णिया में घर ले लिया पूर्णिया के ई होम्स पेनोरो में पूर्णिया में पेनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरो बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल रीडिफाइंड